हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। ठीक है, बाईफोकल आपने सुना ही होगा, प्रेस बायोपिया जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो आफ्टर 35 मैंने एक वीडियो में बताया है, वो है वो माइनस पावर के ऊपर, हाउ टू चूज योर आई ग्लासेस बेस्ड ऑन माइनस पावर, इफ यू हैव माइनस पावर, वो वीडियो को आप जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें सिर्फ माइनस पावर के बारे में मैंने बताया है, प्लस आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव लेंसेज की। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है प्रोग्रेसिव लेंसेज होता क्या है। देखिए गाइस, प्रोग्रेसिव लेंसेज को मल्टीफोकल लेंसेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाईफोकल नहीं होता। बाई मतलब टू, ठीक है, जहाँ पे आपको दूर का देखने का अगर प्रॉब्लम है और नज़दीक का भी देखने का प्रॉब्लम, तो बाईफोकल लगता है। बेसिकली वो इस तरह का शेप होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये लेंसेज में आपको दिख रहा होगा एक गोल सा बना हुआ है, ये देखिए इस एरिया में दिख रहा है आपको, ये मैं इसको काट करता हूँ तो शायद आपको दिखे ठीक से। ये देखिए यहाँ पे गोल सा बना हुआ रहता है, ठीक है, ये बेसिकली ये आर्क रहता है। तो आर्क में से आपको जो नियर विजन का जिनको प्रॉब्लम रहता है, इससे नज़दीक चीज़ें देखने में जिनको तकलीफ रहती है, तो वो गोल से देखते हैं, ऐसे 1.5 से 2 फीट, ठीक है, उसके लिए आपको ये गोल प्रोवाइड किया जाता है और डिस्टेंस। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब ऑकर हुआ जब बैंकर्स को कंप्यूटर जो मॉनिटर डिस्टेंस, ठीक है, देखने में तकलीफ हो रही थी, जो 2.5 फीट से 3 फीट में रखा हुआ रहता है अगर उनका मॉनिटर, तो कीबोर्ड तो वो देख पाते थे बाईफोकल से, लेकिन उनको मॉनिटर देखने में तकलीफ होता था। तो वेरिलेक्स जो कि क्रिजाल का भी एक प्रोडक्ट है, जो एसिलर कंपनी और एसिलर ब्रांड की तरफ से आता है, उन्होंने ये प्रोग्रेसिव लेंस लॉन्च किया। प्रोग्रेसिव लेंस, जैसे मैंने बता दिया कि ये मल्टीफोकल लेंस होता है, मतलब इसमें आपका डिस्टेंस के लिए एक विजन दिया हुआ रहता है, इंटरमीडिएट के लिए मतलब नज़दीक कंप्यूटर वर्क करने के लिए एक विजन दिया हुआ रहता है, और नज़दीक के लिए मतलब 1.5 से 2 फीट देखने के लिए जो बाईफोकल में होता है वो भी दिया हुआ रहता है। और इसको हिडन बाईफोकल भी कहा जाता है। हिडन बाईफोकल मतलब छुपा हुआ बाईफोकल, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि इसमें बाईफोकल है, लेकिन वो बेसिकली होता है। और इसमें सिर्फ बाईफोकल नहीं होता, नज़दीक का तो देखने के लिए होता ही है, लेकिन 3 फीट के देखने के लिए भी आपको रहता है। अब प्रोग्रेसिव लेंसेज की अगर बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का फ्रेम हमको प्रोग्रेसिव के लिए चूज़ करना है। देखिए बहुत सारे ऑप्टिशियन जिनके पास ऑप्टिकल डिस्टेंसिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपको गाइड करेंगे और सजेस्ट करेंगे कि आप बड़ा फ्रेम लो तो आपका प्रोग्रेसिव सही होता है। लेकिन गाइस, ये एकदम ही वेक कंसेप्ट है, मतलब रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर आप फ्रेम लोगे अपने फेस के हिसाब से, तो इंटरमीडिएट आपका सही नहीं आएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट की जगह मतलब जो कंप्यूटर देखने का विजन है, उसकी जगह आपका नियर विजन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ना ज़्यादा बड़ा लेना है, ना ज़्यादा छोटा फ्रेम लेना है। अब इसका मेजरिंग यूनिट क्या होता है, देखिए आज ही मैंने एक प्रोग्रेसिव कॉर्डर लिया, बेसिकली फ्रेम है टैगल्स का, तो काफ़ी अच्छा फ्रेम है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये चेक किया पेशेंट का, इस जगह पे ज़्यादा गैप नहीं होना। हम मेजर करेंगे कौन कौन सा चीज़ हमको देखना पड़ता है प्रोग्रेसिव लेंस में, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पेशेंट का फेस के हिसाब से फ्रेम सही है, तो कॉपरेट करो ना। देखिए सबसे पहले हमको ये चीज़ देख लेना है, ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये गैप हमको देख लेना। और फेस से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए फ्रेम, और छोटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट, ताकि इंटरमीडिएट और नियर विजन मेरे को प्रॉपर मिले चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रेम उसके फ्रेम फेस पे एकदम सटीक बैठ रहा है, ठीक है। और फेस शेप, हाउ टू चूज आई ग्लासेस बेस्ड ऑन फेस शेप, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो उसको भी जाके आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक कंसेप्ट। लेकिन आज से प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मार्किंग की है, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक मार्किंग क्या किया है मैंने। ये मैंने मार्किंग किया है IPD, जिसको हम प्यूपिलरी डिस्टेंस भी बोलते हैं, ये प्यूपिल है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, कितना होना चाहिए। तो सो दैट अगर पावर में एक्सेस है, तो हम जब ग्लास को फिट करते हैं गाइज, हम ऑप्टिशियन, तो हम उसी फिटिंग क्रॉस के बेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिटिंग क्रॉस हम बैठाते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं प्रोग्रेसिव में, जो गलती करते हैं वो स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है, स्केल से आपका IPD ले लिया और प्रोग्रेसिव लेंसेस का आपका ऑर्डर लेकर वो प्रेस्क्रिप्शन के साथ लैब पे भेज देते हैं, जो कि गलत एक टेक्निक है, क्योंकि स्केल से बाईफोकल पे मेजर सही होता है, प्रोग्रेसिव लेंसेस के लिए ये टेक्निक गलत है, क्योंकि आपको देखना है ये फिटिंग क्रॉस, आपको मार्कर से बनाना है, तो फिटिंग क्रॉस के बेसिस पे हम इंटरमीडिएट करते हैं, जो कि 2 मिलीमीटर शॉर्टर जाता है, ठीक है, यहाँ पे होगा, और इसका जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए है वो यहाँ पे होगा, और नियर के लिए यहाँ पे होगा। तो इसीलिए हमको ये मार्किंग की ज़रूरत पड़ती है, इसमें एक्सिस अगर डिस्टेंस में पावर है
तो एक्सिस भी हम इसी के ऊपर बैठाते हैं लेंस को, और उस हिसाब से आपका एक्सिस चार्ट में ड्रॉ करके ऑप्टिशियन बैठा देता है, और जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर डाउन होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका आईपीडी है 56, तो आपका इंटरमीडिएट विजन वो बैठाएगा 54 mm, और नियर विजन और 4 mm रिड्यूस हो जाएगा, जो कि स्टैंड होगा 52 mm। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल है। तो ये अगर मेरे फेस के हिसाब से मैं देखूँ तो ये फ्रेम पे फिट बैठता है। अब देखिए इस जगह पे ज़्यादा गैप नहीं है और ना ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो सो दैट यहाँ पे दाग नहीं पड़ेगा, और यू नो एयर भी पास होगा तो यहाँ पे वाइट दाग होने का डर नहीं है। जो बहुत समय देखेंगे अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं चश्मे में, तो बहुत सारे पेशेंट का यहाँ पे वाइट कलर का दाग हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि फ्रेम से देखिए एयर पास नहीं होता है, और सनलाइट जो है इस एरिया तक, ठीक है, इतने एरिया को ब्लॉक कर देता है ये वाला जो टेम्पल है, ठीक है, हमारे फ्रेम का। तो आपको देखना है ये ज़्यादा टाइट भी ना हो, ज़्यादा ढीला भी ना हो, एकदम प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए उसको, ठीक है। और सबसे एसेंशियल बात, जब भी आप प्रोग्रेसिव का फ्रेम सिलेक्ट करें तो आपको ये देख लेना है कि फिटिंग क्रॉस के बाद, ठीक है, ऑप्टिशियन और एक मेजरमेंट लेगा जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब आपका जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस और जो नज़दीक का डिस्टेंस वो 20 से 24 mm, उससे ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है, वो 20 मिलीमीटर से 24 मिलीमीटर तक ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ही ऐसे डिस्टेंस में देखेंगे तो आपको सांप दिखेगा, आप 3 फीट में भी देखेंगे कंप्यूटर मॉनिटर्स को तो भी आपको सांप दिखेगा, और नज़दीक में भी देखेंगे तो भी आपको सांप दिखेगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव लेंसेज। टाइप देखिए बेसिकली 2 प्रकार के ही आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। एक है कन्वेंशनल, जो प्रोग्रेसिव लेंस इनिशियल स्टेजेस पे लॉन्च हुआ था, ठीक है वो, और उसके बाद आया वेरिलेक्स जो क्रिजाल का प्रोडक्ट है। मैंने पहले ही कहा क्रिजाल सबसे पहला लेंस मार्केट में लिया था, उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया अपने प्रोडक्ट को, उन्होंने निकाला डिजिटल प्रोग्रेसिव। अब डिजिटल प्रोग्रेसिव में क्या होता है उसके लिए मैं आपको वीडियो को सेकेंड पार्ट में एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रोग्रेसिव एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं आपको डैशबोर्ड देखना पड़ता है जो कि 3 फीट डिस्टेंस में होता है, कंप्यूटर में काम करते हो तो आपके लिए बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है, और मोबाइल के लिए भी आप बेसिकली कहीं भी अपना हाथ ले जाएं तो वो आपका विजन डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता, आप जिस जगह पे भी देखना चाहते हैं वो आपको एक फोकल पॉइंट प्रोवाइड करवा देता है। तो अभी सेकेंड पार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं कि प्रोग्रेसिव का डायग्राम बेसिकली किस तरह का होता है और ये हमारे लिए एसेंशियल है कि नहीं। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में, इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, देखिए जो मैं आपको जो बाइफोकल बता रहा था वो, सपोज ये लेंस है आपका, तो ये जो विजन होता है प्रेस बायोपिया के लिए, ठीक है, आफ्टर 35 एज ये लगता है, तो ये होता है यहाँ से आपको नियर देखना पड़ता है, यहाँ से डिस्टेंस में देखना पड़ता है। और प्रोग्रेसिव का डायग्राम बेसिकली गाइस कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, जहाँ पे ये वाला एरिया आपको ब्लर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई विजन नहीं आता है ये दोनों एरिया पे, इतना एरिया आपको डिस्टेंस के लिए मिल जाता है, ठीक है, देखिए इतना एरिया आपका सपोज डी मैंने लिख दिया डिस्टेंस के लिए, इतना एरिया आपको नियर वर्क के लिए मिलता है, कंप्यूटर वर्क के लिए मिलता है जो बहुत ही नैरो होता है, ठीक है, ये ज़्यादा वाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये एरिया में आपको विजन नहीं मिलेगा, और इतना एरिया आपको नियर वर्क के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सो जो मार्किंग लेते हैं तो इस पॉइंट पे लेते हैं, अब समझिए आप क्यों मार्किंग ज़रूरी है, देखिए इस पॉइंट पे लेते हैं तो प्रॉपर हम इसको फिटिंग कर सकें इसीलिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने बताया जो डिजिटल प्रोग्रेसिव होता है उसमें क्या होता है, ये जो ब्लर वाला एरिया होता है दोस्तों इसको एक्सटेंड किया हुआ रहता है, मतलब यहाँ पे भी आपको एकदम उसको नैरो कर दिया जाता है, ठीक है, कम कर दिया जाता है, सो दैट यहाँ पे भी आपको विजन मिले। और बेसिकली क्या होता है इंटरमीडिएट चीज़ें देखने के लिए, ये इंटरमीडिएट चीज़ें आपको देखने के लिए ये एरिया बढ़ा दिया जाता है। तो सपोज़ ये है आपका नॉर्मल प्रोग्रेसिव, ठीक है, जहाँ पे साइड का एरिया इतना ब्लर है, और इसी को एक्सटेंड कर दिया जाता है डिजिटल प्रोग्रेसिव में। डिजिटल प्रोग्रेसिव में ब्लरी एरिया बहुत कम रहता है तो आपको ज़्यादा एरिया मिलता है, ठीक है, हर एक विजन पॉइंट के लिए, डिस्टेंस के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, नियर के लिए आपको ज़्यादा विजन पॉइंट मिलता है। तो यही है बेसिक कंसेप्ट। और प्रोग्रेसिव अगर बनाना है तो हमेशा ब्रांड पे जाइए क्योंकि उनका फिटिंग एकदम एग्जैक्ट होता है, ठीक है। ये मेरे पास देखिए रिजल्ट का ऑथेंटिसिटी कार्ड है, हाँ ठीक है, तो ये वाला है प्रोग्रेसिव लेंसेज का, ऐसा आपको कार्ड मिलेगा कोई ऑथेंटिक कंपनी से आप बनवाते हैं, ठीक है, कोई भी लोकल ऑप्टिशियन के पास आप जाएं उनको बोलिए कि मेरे को ब्रांडी चाहिए और डिजिटल प्रोग्रेसिव चाहिए अगर आपको कांस्टेंट यूज़ करना है तो। अब प्रोग्रेसिव लेंस किन के लिए होता है गाइस, मैंने पहले ही बता दिया, जो जिनको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ नियर का भी काम करना है डिस्टेंस का भी काम करना है उनके लिए होता है, और ये एक्सपेंसिव लेंसेज भी होता है, तो इसका डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ
अगर आपको अफोर्डेबिलिटी थोड़ा कम चाहिए तो बाईफोकल में ही प्रैक्टिस कीजिए, बाईफोकल को ही चलने दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा है आपका काम की नहीं, आपको तो करना ही पड़ेगा, 3 फीट डिस्टेंस में काम और 2 फीट में भी काम करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस वर्क है आपका, जैसे पेपर वर्क भी है कंप्यूटर वर्क भी है, तो आप ज़रूर प्रोग्रेसिव में जाइए। अगर आप एक राइडर है, ठीक है, वो चाहे बाइक को आप कॉन्स्टेंटली राइड करते हैं या आप कार अपना आप शॉफर ड्रिवन बेसिकली शॉफर ड्रिवन कार प्रेफर नहीं करते हैं, खुद ही आप ड्राइव करते हैं अपने कार को, तो आपके लिए भी प्रोग्रेसिव रहेगा, क्योंकि डैशबोर्ड थोड़ा डिस्टेंस एरिया में ही रहता है, तो आपको डैशबोर्ड देखने में वो काफ़ी एफिशिएंटली आपका वर्क करेगा, ठीक है, इस चीज़ में भी। और थर्ड मैं बोलूँगा प्रोग्रेसिव विथ एंटी ग्लेयर ही बनाइए, क्योंकि अगर बेसिक प्रोडक्ट प्रोग्रेसिव का कंसेप्ट आया है कंप्यूटर यूजेज के लिए, तो कंप्यूटर से कुछ हार्मफुल रेज भी एमिट होती है, उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि डिजिटल स्क्रीन और ब्लू कट ARC क्या होता है। तो आप ऐसे ही एक प्रोडक्ट चूज़ कीजिए जो कि आपके ब्लू लाइट्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उससे भी आपको बचाएं, जो UV प्रोटेक्टेड भी हो और आपका प्रोग्रेसिव मतलब मल्टीफोकल लेंसेज का पर्पस भी सॉल्व हो। तो उम्मीद करता हूँ आज आपका वीडियो पसंद आया होगा प्रोग्रेसिव के ऊपर, और भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ऐसे ही लेटेस्ट प्रोडक्ट का। जब भी मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट आएगा, कोई भी ऑर्डर आएगा, तो मैं उसको सबसे पहले आपके सामने लेकर आऊँगा और आपके सामने ही उसको रिव्यू करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम।